लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है, ये साजिश सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने की नहीं है, ये साजिश अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य पर हमला करने की है, ये अरविंद केजरीवाल जी को मारने की साजिश है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये दुनिया के इतिहास में पहली बार नहीं है कि तानाशाह अपने विरोधियों को, अपने विपक्षियों को जेल में डाल देते हैं और जेल में रहते हुए उनके स्वास्थ्य को खराब करने की कोशिश करते हैं, उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। ये भारत के इतिहास में, देश के इतिहास में बार बार हुआ है, बार बार इस पर बात उठी है कि तानाशाह विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं और उनके स्वास्थ्य को खराब करके उनकी जान लेने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से पहले अरविंद केजरीवाल जी को उनकी दवा, उनकी इंसुलिन, उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए जो जरूरी थी, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दी। हमने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जो 30 साल से डायबिटीज के मरीज हैं, उनको अपने डॉक्टर से बात नहीं करने दी, उनको एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करने दिया। ये तो जब अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए और कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन मिली, अरविंद केजरीवाल जी के लिए एम्स का एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, वरना अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होता, ना अरविंद केजरीवाल को डॉक्टर मिलता, ना अरविंद केजरीवाल को दवा मिलती। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।